चलो देखो बेटा, सुन, आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, और इसमें लिखेंगे आज कॉन्सेप्ट नंबर 2। वैल्यू ऑफ फर्म, लिखिएगा वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड कह रहा हूँ, और WACC, WACC आगे लिखिएगा, फिर मैं इसको समझाता हूँ बेटा। कैपिटल, सॉरी, कॉन्सेप्ट 3, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बेटा, इसमें दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंस थ्योरी में लिखेंगे इसमें हमारे पास तीन अलग अलग बातें हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस में दो, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच। ब्रैकेट में लिख देना 1963 विद टैक्स। विद टैक्स यहां पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, MM अप्रोच, नाइनटीन फिफ्टी एट
विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स अब लिखें बेटा इसमें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर फोर, नेट इनकम अप्रोच। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म। एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज विल लीड टू डिक्लाइन इन WACC वाइल द वैल्यू ऑफ फर्म as well as market price of ordinary share will increase. And वैसे वर्षा लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म वी इक्वल्स टू एस प्लस डी। एस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE। Where net income equals to earning available for equity.
अंडर एनआई अप्रोच द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर डब्ल्यू ए सी सी इज मिनिमम। According to this theory, maximum possible debt financing for minimizing the cost of capital. So overall cost of capital equals to EBIT divided by value of firm. हो गया। देखिए चलो अब ध्यान से सुनना बेटा। देखिए बेटा, हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है? सब बच्चे देखो इधर, अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है, अगर किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो इक्विटी से पैसे ले लें या तो डेट से पैसे ले लें, है ना। अब बेटा इक्विटी का मतलब आप जानते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट का मतलब हो गया डिवेंचर या बॉन्ड, ये सब हो गए। तो ये बताओ, जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, तो अगर हमें 100 रुपीज चाहिए तो हम कितना यहां से लें, कितना यहां से लें, कितना यहां से लें, क्या हमारी फर्म के लिए सबसे अच्छा होगा, है ना। इसका जब डिसीजन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं तो उस चैप्टर को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। अच्छा अब कहोगे सर इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, पिछला चैप्टर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रखा है, इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, जिससे सबसे कम लागत हो वहीं से ज़्यादा पैसे उठाइए, जहाँ ज़्यादा लागत हो वहाँ कम पैसे उठाइए। बेटा वही वो बात नहीं है। देखो एक ये बात तो है ही कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें जहाँ लोअर होगी हम उसी पे ज़्यादा जाएंगे, एक तो ये बात है ही। अब इसके साथ साथ कुछ बातें और हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, अब वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा हो। स्ट्रक्चर का मतलब उसमें डेट कंपोनेंट कितना हो, उसमें इक्विटी कंपोनेंट कितना हो। तो हमने लिखा
कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेट. द सोर्स एंड द क्वांटम ऑफ कैपिटल इज डिसाइडेड बाय कीपिंग द फॉलोइंग फैक्टर. जब भी बेटा हम डिसाइड करते हैं कहाँ से पैसे लाएं तो हम ये ध्यान में रखते हैं, कंट्रोल रिस्क एंड कॉस्ट. जो कंट्रोलेबल हो, जहाँ रिस्क मॉडरेट हो और जहाँ कॉस्ट कम हो, वहीं से पैसे लेके आते हैं. अच्छा, तो चलो ये तो बात है ही कि हमें अगर पैसे चाहिए तो हम तीन बातों पे ध्यान रखेंगे, जहाँ कंट्रोल हो कॉस्ट पे, जहाँ रिस्क मॉडरेट हो और जहाँ कॉस्ट सबसे कम हो, वहीं से पैसे लेके आओ. बताओ यहाँ तक ठीक है? अब सुनो बेटा हुआ क्या. अब कुछ लोगों ने अपनी थ्योरी दी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते टाइम ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कंट्रोल रिस्क और कॉस्ट पे. उसके साथ साथ ये भी देखो कि ऐसा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा होगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा होगा उसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पे पड़ता है. तो आप वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएं जिससे फर्म की वैल्यू ज्यादा हो. अब कहोगे वैल्यू का क्या मतलब हुआ? सोचो सब बच्चे, मैंने 10 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया 1 लाख का, 20 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया 2 लाख का, 30 रुपए का प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर इशू किया 3 लाख का, मान लो थोड़ी देर के लिए. तो ये बताओ, इसका मतलब मेरे पास 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और मेरे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और मेरे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं. यही है ना, मैंने 6 लाख रुपए टोटल लगा रखे हैं. अब सब बच्चे सोचो, बेटा अगर कोई करिश्मा ऐसा हो जाए कि मेरा एक इक्विटी शेयर 10 रुपए से 100 का हो जाए, शेयर वही है 10,000, तो बेटा मेरा इक्विटी शेयर 10 लाख का हो गया. कोई करिश्मा ऐसा हो जाए कि मेरा प्रेफरेंस शेयर 20 रुपए से बढ़ के 120 का हो जाए, तो यही 10,000 शेयर मेरे हो जाएंगे 12 लाख के और मेरा डिबेंचर 30 रुपए से बढ़ के मान लो 80 रुपए का हो जाए, तो ये जो 10,000 डिबेंचर हैं ये 8 लाख के हो जाएंगे. और ये देखो, पहले मेरे फर्म की वैल्यू इतनी थी, अब मेरे फर्म की वैल्यू इतनी हो जाएगी. समझ गए ना? तो अब सुनना, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर, उसमें कॉम्बिनेशन क्या है. तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी थ्योरीज दी. मैंने आपको ये बताया, अभी ये नहीं बताया है, मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया. अब कुछ लोगों ने अपनी थ्योरी दी है, कुछ लोगों ने कहा है कि बेटा ऐसा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस रखता है. किस में रेलिवेंस रखता है? फर्म की वैल्यू में रेलिवेंस रखता है. अगर आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ले आओगे सोच समझ के, तो उसका प्रभाव फर्म की वैल्यू पे भी पड़ेगा. जिसने कहा उनको रेलिवेंस में रखा गया. इस अप्रोच में कहते हैं कि ये रेलिवेंस है. और ये दोनों अप्रोचेस कहती हैं कि बेकार है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर, तुमको फर्म की वैल्यू बढ़ानी है, इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ाना है, प्रेफरेंस डिबेंचर का प्राइस बढ़ाना है, तो ढंग से बिजनेस करो, है ना, तब प्राइस बढ़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से बढ़ेगा नहीं. तो हम एक एक करके यही थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. बात समझ में आई? ये तो बात ठीक है, चलो कि पैसे हम वहां से उठाते हैं जहां हमें कॉस्ट कम से कम आए, लेकिन उसके साथ साथ जो रेलिवेंस थ्योरीज हैं, रेलिवेंस, वो कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रभाव पड़ता है फर्म की वैल्यू पे भी, है ना. वो जब हम ये पढ़ेंगे तो ये तीनों इस बात की वकालत करेंगी, और जब हम ये पढ़ेंगे तो ये दोनों मना करते हैं कि नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क नहीं पड़ता, और सबने प्रूव करके दिखाया है. अब बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई? अब ये बताओ वैल्यू क्या होती है फर्म की, ये समझ में है? क्या होती है बताओ, वैल्यू क्या होती है? अरे नालायको, ये वैल्यू ही तो निकाली है, ये यही तो है वैल्यू. इसको ऐसे समझ लो,
लो बचपन में क्या पढ़ा था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट, एसेट बेच के लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो तो कैपिटल बच जाएगी, ये कैपिटल ही तो है, ठीक है। कैपिटल प्लस डेट दोनों है, तो कैपिटल प्लस डेट का मतलब होता है वैल्यू। हमने देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है कि वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये होती है फर्म की वैल्यू। अब बताओ पहले इतनी बार समझ में आई हो, तब तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे आपको पहले एक चीज बतानी पड़ेगी, तब फिर हम कर पाएंगे। हम लोगों ने चैप्टर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बात बताओ, आपके पास नोट्स होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जरा पलट के देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन में हमने WACC निकाला हो, ऐसा कुछ है? मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन में WACC निकालो, ट्वेंटी 27। ये बताओ उसमें क्या हम लोग को EBIT दे रखा है? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, छोड़ो तब नहीं आएगा। चलो मैं बताता हूँ, अब मेरे साथ साथ देखो। अब देखिए, चलो अब देखो, अब बेटा मुझे समझाना तो ये है, लेकिन मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब हम पहली अप्रोच करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और ये अप्रोच कहती है कि किसी भी फर्म की कैपिटल का फर्क उसकी वैल्यू पे पड़ता है। और चलो तब तक मैं समझाता हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है, ये बताओ मुझे, मान लीजिए किसी फर्म की इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा 1 लाख की। सब लोग सोचना, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख की कैपिटल है, इनके पास डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और इनके पास 10,000 मान लो डिबेंचर हैं, 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 20,000 इक्विटी शेयर हैं, तो इसका मतलब ये 2 लाख का है और ये 10 लाख का है, और इसका टोटल आता है 12 लाख। तो फर्म की वैल्यू 12 लाख की है, 12 लाख की है, ठीक है, 12 लाख की है। चलो ओपन हो गया, आ जाओ अब यहीं से कर लेंगे। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा जो मुझे समझाना है। पढ़िए देखिए क्या कहता है।
रूपा लिमिटेड्स EBIT इज 5 लाख। रूपा लिमिटेड का जो EBIT है वो 5 लाख है। द कॉरपोरेट टैक्स 10%, द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मार्केट वैल्यू। चलो अब यहाँ से नहीं, अब पहले मुझे समझाना ही होगा। आओ सब बच्चे देखो, अभी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, अब पहले ये समझना पड़ेगा। देखो बेटा, अब हम पहली अप्रोच करने जा रहे हैं, हम लाइन से ऐसे सीक्वेंशियल करेंगे, पहले इसको ख़त्म करेंगे फिर इधर आएंगे। अब हम पहली अप्रोच करने जा रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच। चलो फटाफट इसका क्रक्स सुनो, फिर मैं सवाल लगाना शुरू करूँ। देखो बेटा, ये अप्रोच क्या कहती है, सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये अप्रोच कहती है किसी भी फर्म की वैल्यू दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। मैं इधर लिख रहा हूँ, किसी भी फर्म की वैल्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है इक्विटी और एक कंपोनेंट होता है डेट। ठीक है, अच्छे से समझना। ये कहते हैं, ये कंपनी कहती है, जैसे जब जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप डेट बढ़ाओ। ये अप्रोच कहती है, सुनना। ये कहते हैं डेट बढ़ाओ, कहते हैं जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे तो डेट बढ़ाने पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट करोगे, डेबिट करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा, तो सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो डेट बढ़ाने से मुझे टैक्स की सेविंग होगी, डेट बढ़ाने से टैक्स की सेविंग होगी, सेविंग होगी तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो जब जब कॉस्ट कम होती है तब तब मुनाफा बढ़ता है, और मुनाफा बढ़ेगा तो फर्म का इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ गए? ये देखो मेरे पास डिजिट्स भी हैं, अभी कल शाम को कराया है। ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कहीं दूसरी क्लास में चल रहा है। अब ये देखो, मैंने इन लोग को प्रूव करके सब दिखाया, आप लोग को भी बताया था। अब ये देखो, किसी कंपनी के पास ये उनका पीएल है, 10 लाख रुपए का जीपी इनके पास है, इनके पास अदर एक्सपेंसेस 8 लाख के हैं, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख का आएगा। 2 लाख का आएगा तो 2 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से टैक्स जमा करवा दिया आधा, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया 1 लाख। और जैसे ही इसने लोन लिया 10 लाख का 10% पे, तो इसका ब्याज भी डेबिट हुआ, ब्याज डेबिट होने से नेट प्रॉफिट कम हो गया, पहले 2 लाख था अब 1 लाख हो गया। 1 लाख होने की वजह से जहां सरकार को 1 लाख टैक्स दिया था 50,000 देना पड़ा, तो 50,000 देना पड़ा तो मेरी कॉस्ट कम हो गई ना। तो ये कहते हैं अगर तुम इक्विटी से पैसे लो तब ये इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विटी तो पीएल के बाहर होता है, डेट में आएगा। तो ये कहते हैं, ये अप्रोच हमारी कहती है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तो अगर हम अपना डेट कंपोनेंट बढ़ाएंगे तो डेट कंपोनेंट बढ़ाने से टैक्स की सेविंग होती है और फर्म की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। बस समझ आई? अच्छा अब ये देखो क्या कहा, पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म, एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज वुड डिक्लाइन WACC। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब डेट, डेट बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा और इंटरेस्ट ही तो आता था फाइनेंशियल लेवरेज में। वेल द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर विल इंक्रीज। मतलब ये डेट, ये मैंने आखिरी में लिख दिया ना वैसी वर्षा, मतलब अगर डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट घटेगी, डेट घटाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यू होती है वो दो चीज के बराबर होती है, किसके, इक्विटी कंपोनेंट एज वेल एज डेट कंपोनेंट। और ये कहते हैं इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू आएगी अगर हम नेट इनकम को, नेट इनकम का मतलब इक्विटी वालों के लिए जो कमाया था अर्निंग फॉर इक्विटी, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दें तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अब अंडर दिस अप नेट इनकम अप्रोच द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट वेयर WACC मिनिमम। अब ये कहते हैं डेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, डेट बढ़ाते जाओ, डेट बढ़ाते जाओ, ध्यान देना बेटा। ये देखो जरा, ये अप्रोच कहती है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये अप्रोच कहती है कि ऐसा है, ये लेवरेज है, लेवरेज का मतलब समझ लो इंटरेस्ट, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपको समझाने के लिए।
कैपिटल है। तो इस अप्रोच के हिसाब से ये कहते हैं केई पे फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई टैक्स वैक्स का सेविंग नहीं होगा, है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास डेट की कॉस्ट भी एक बराबर होती है भाई, 10% का तो 10 ही% रहेगा ना, लेकिन जैसे 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 आप प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे कैपिटल का प्रपोर्शन बढ़ाते जाएंगे, आपकी ओवरऑल कॉस्ट गिरती चली जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट गिरती जाएगी, समझ गए ना बेटा, गिरती चली जाएगी। और जैसे कॉस्ट गिरेगी तो ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, बढ़ती चली जाएगी फॉर्म की। ये डायग्राम बना लो ऐसे ही। हाँ चलो अब देखो, तो अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखो क्या कहता है, रूपा लिमिटेड्स ईबीआईटी इज 5 लाख, ईबीआईटी बता दिया, कंपनी हैज 10%, 20 लाख डिवेंचर, इनके पास 20 लाख के डिवेंचर हैं 10%। आगे कहता है द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। ये जानते हो क्या है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये 16% का है। अब हमसे कहता है बेटा ध्यान देना, वो कहता है कि नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैं दोनों बता रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनते जाओ, अभी समझना इसके बाद नोट करना, ठीक है। देखो ये बताओ मुझे, मैंने यहां लिखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फर्म, सबसे पहले ईबीआईटी ये मुझे दे रखा है, समझ लेना बेटा तभी ये बढ़िया से आएगा। अभी मैं ऐसे बता दूंगा ना कि कोई रटना वटना पड़ेगा ही नहीं। ईबीआईटी 5 लाख का है। अभी बताओ ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते थे, ईबीटी आता था, टैक्स घटाते थे, ईएटी आता था, प्रेफरेंस के डिविडेंड देते थे तो अर्निंग फॉर इक्विटी बचता था। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड आया ही नहीं, तो टैक्स देने के बाद जो बचेगा सीधा इक्विटी वालों का होगा। अब ये बताओ अगर मैं यहां से इंटरेस्ट घटा दूं, क्वेश्चन खुद कह रहा है 20 लाख के डिबेंचर हैं, 10% का इंटरेस्ट है, तो 20 लाख का 10% हुआ 2 लाख, 2 लाख का बेटा इंटरेस्ट देने के बबाद अपने पास पैसे बचेंगे 3 लाख, है ना, 3 लाख बचेंगे। और ये देखो इस क्वेश्चन में कोई टैक्स रेट नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो मजबूरी है, यही बिफोर टैक्स है, यही आफ्टर टैक्स है, है ना, यही बिफोर टैक्स है, यही आफ्टर, ई ए टी मान लो मैंने लिख दिया यहां पे आपको समझाने के लिए ई बी टी, और इसमें से माइनस कर दिया टैक्स, तो ये आ गया ई ए टी, टैक्स है ही नहीं, तो ये भी मेरे पास 3 ही लाख आ गया। अब खाली आपको समझाने के लिए, अगर होता तो प्रेफरेंस का डिविडेंड और सी डी टी घटाते, कुछ है ही नहीं, तो यही मेरे पास हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अवेलेबल फॉर इक्विटी। और ये जो चीज है बेटा इसी को बोलते हैं नेट इनकम, ये जो नाम है ना इसका नेट इनकम अप्रोच, यही है नेट इनकम, नेट इनकम रिलेटेड टू इक्विटी, नेट इनकम रिलेटेड टू इक्विटी। देखो बेटा तो ये हमारे पास ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाया, ये अर्निंग फॉर इक्विटी, ये भी हमारे पास 3 लाख रुपए ही आ गई अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब इधर देखना बेटा, अब वो कह रहा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 16% का, इसका मतलब ये होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये 16% का है। जानते हो बेटा ये क्या चीज है, सुनो हिंदी एकदम वैसे सुनो तब समझ में आएगा, इक्विटी वालों की उम्मीद, जिसने मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है वो इस उम्मीद के साथ खरीदा है कि उसको 16% का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो ये बताओ,
बेटा अगर इक्विटी वाला, सब बच्चे समझना, तो इसका मतलब ये हुआ इक्विटी वाला अगर एक्स रुपए लगाएगा तो वो कहेगा इसमें से 16% तो मुझे रिटर्न आएगा, और रिटर्न आया है 3 लाख का। तो इसका मतलब अगर मैं जानना चाहूं इस हिसाब से इक्विटी कितने का हुआ, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, और यही होगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इधर एक मिनट रुक जाओ, जरा सामने देखो, ये देखो क्या लिखा है, नेट इनकम को के से डिवाइड कर दें तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है। समझे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है। तो यहां से आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, लिख लो फटाफट। हाँ तो अब देखो जरा फटाफट, हमने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, यही अर्निंग फॉर इक्विटी हो गई। 16% का रेट है, इसका मतलब इक्विटी वाले जितना पैसे लगाते हैं उसका 16% उन्हें चाहिए। तो और अगर वो, क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, टैक्स का लोड है नहीं, तो ये जो पैसा बचा है ये इक्विटी के लिए ही तो है। तो अगर इक्विटी वालों की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 18,75,000 का। जबकि आप सवाल देखें, आपके पास ये आगे 18,07,000, अब 20 लाख का आपके पास डेट था, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो हमने इसकी बुक वैल्यू ले ली। बुक वैल्यू दोनों ऐड कर लें तो 38,08,75,000 की वैल्यू हो गई। तो ये देखो इधर, यहाँ हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब इस क्वेश्चन में नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है बेटा, हम बुक वैल्यू ले लेंगे और क्या। फिर आगे देखो, अब अगर हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो निकाल लिया। अब ये देखो, हमसे अगर कहा जाए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, केओ, जब आपने पढ़ा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब आपने ऐसे पढ़ा कि डब्ल्यू ई इंटू के, डब्ल्यू डी इंटू के डी एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ा। अब यहाँ ऐसे भी है, अगर हम ई बी आई टी को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दें तो भी के ओ निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने ई बी आई टी लिखा और उसको वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, दिस इज माई के ओ, या यू कैन से इट डब्ल्यू ए सी सी। बस समझ में आई। चलो अब एग्जाम में बेटा इसमें थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है। चलो मुझे 2 मिनट जरा बता दो, सामने देखो सब बच्चे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। हम बिजनेस करके तो अपने फर्म की वैल्यू बढ़ा ही लेंगे, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा बढ़िया होगा तो रेलिवेंट थ्योरीज कहती हैं कि तब भी वैल्यू बढ़ जाएगी। रेलिवेंट में 3 थ्योरी है, हम पहली पढ़ रहे हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कहती है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बराबर होगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई के ई, डिवाइडेड बाई के ई, और ओवरऑल कैपिटल आएगी ई बी आई टी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। और यही 2 चीज मुझसे पूछा गया था और ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन सेकंड अभी नहीं कर सकते। चलो हेडिंग लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में क्या क्या खास बात है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए रेलिवेंट है कि रेलिवेंट है, रेलिवेंट है नंबर एक। नंबर दो, वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, उसको ये मत बोलना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, और ओवरऑल डब्ल्यू ए सी सी कैसे निकालोगे, ई बी आई टी डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, लिखिए आगे। हाँ लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ट्रेडिशनल अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच। अब सुनो, चलो बताओ, पिछले में क्या पढ़ा? इसमें बहुत जरा जरा सा फर्क है, इसलिए जानना जरूरी है। पिछले में क्या पढ़ा? डेट कंटेंट बढ़ाएंगे, डेट की कॉस्ट घटेगी, ओवरऑल कॉस्ट घटेगी, कॉस्ट घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। नेट इनकम अप्रोच एकदम इसी के पक्ष में है कि डेट कंटेंट बढ़ाते जाओ, WACC गिरता जाएगा, फर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसने बीच का रास्ता निकाल लिया। न ये साफ साफ उसको सपोर्ट करता है, न उसको साफ साफ अपोज करता है। ये क्या कहता है, सुनो, ये कहता है ऐसे, देखना, ये कहता है, ये लो, ये कहता है ये लेवरेज हो गया। आप मत बनाना, भी ढंग से बनवाऊंगा। ये लेवरेज हो गया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ WACC हो गया। हाँ, ये WACC हो गया, इसी में समझ लो KD है, इसी में KE है, सब कुछ है। वो कहेगा जैसे ही डेट कंटेंट बढ़ाओगे, डेट कंटेंट बढ़ाओगे तो WACC गिरने लगेगा। ये तो पहले भी पढ़ा था। तो ये कहेगा गिरेगा गिरेगा गिरेगा, एक पॉइंट के बाद ये ऊपर उठ जाएगा। समझ गए ना? न ये साफ साफ उसके सपोर्ट में है, न उसके अपोज में है। वो कहता है एक पॉइंट तक ये गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम फुल्ली डेट फर्म हो जाओ तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। डेट कंटेंट बढ़ाओगे तो WACC गिरेगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये ऊपर जाने लगेगा। समझ गए ना? एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऊपर जाने लगेगा। और इधर देखो, और कहेगा ये जिस पॉइंट पे सबसे कम होगा ये है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब इससे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। बात समझ आई? जबकि इधर देखो, ये लोग कहते हैं, अब यही सुन लो, ये लोग कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कभी भी हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हम फर्म की वैल्यू एक तरीके से बढ़ा सकते हैं, दैट बाय इंक्रीजिंग माय ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा के, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब, हाँ ठीक है, सेल्स बढ़ा के, ऐसे समझ लो, सेल्स बढ़ा के। चलो लिखो बेटा, लिखिए। This approach favors that as a result of financial leverage, up to some point cost of capital comes down and value of firm increases। अब दूसरी पेन से लिख रहा हूं। Beyond that ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड बेटा ट्रेंड नहीं रिवर्स ट्रेंड इमर्जेस। एट दैट पॉइंट where value of firm is maximum, is known as optimum capital structure, optimum capital structure।
अब बेटा इसका एक बना लो डायग्राम, वही जैसे मैंने अभी बनाया था। डिग्री ऑफ लेवरेज, और इसी पे के ई, इसी पे के डब्ल्यू, इसी पे के डी। अब क्या है के ई, फिर के डब्ल्यू, फिर के डी। अब जहां कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी बेटा, ये पॉइंट हो गया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे फॉर्मूले वही हैं जैसे हमने पिछली अप्रोच में पढ़ा था। एक चीज और लिख लो फिर मैं शुरू करूं। लिखो हियर इन दिस अप्रोच value of equity earning available for equity divided by value of इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल ये हो गया, फिर आगे लिखे वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, या जैसे वहां निकालते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे निकालते थे, के इंटू एस अपॉन वी प्लस के डी बराबर डी अपॉन वी। ठीक है बेटा, चलो अब आगे आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर टू पे। देखिए
इंद्र लिमिटेड हैज EBIT 1 लाख. द कंपनी मेक्स यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी. द फर्म हैज 10% डिवेंचर. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट करेंट वैल्यू ओवरऑल का. मुझे लगता है हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है. EBIT इसमें भी दे रखा है, डेट यहां भी दे रखा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन 15 था यहाँ 16 था, वही दोनों निकालना भी है. उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड फर्म निकालना था, यहाँ करेंट वैल्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आओ निकालते हैं फटाफट. चलो क्वेश्चन नंबर 2. EBIT इंटरेस्ट माइनस कर दो. 5 लाख का डेट है, उसका 10%, 50,000. अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी. ये हो जाएगा 50,000. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पंद्रह परसेंट का है. वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्डर ये हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी. डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. KO हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू. हाँ वैल्यू ऑफ फर्म में डेट वही है, इक्विटी चेंज हो गया. KO हो जाएगा बेटा EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू. हमें EBIT दे रखा है 1 लाख का, और इसको आप डिवाइड कर दो 333333 833. कितना आएगा डिवाइड करो, मतलब 12%. ठीक है, अब इधर देखना आंसर हालांकि आ चुका है, लेकिन मैं एक चीज आपको बस दिखाना चाहता हूँ. देखो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि KO बराबर होता है KE इंटू S अपॉन B, मतलब इक्विटी का डेट प्रोपोर्शन, और D अपॉन B डेट का प्रोपोर्शन. पढ़ा था ना, ध्यान देना बेटा. अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं,
इस फॉर्मूले से। तो देखो, इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 15% का, 15% का दे रखा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिख दिया, ये डेट का मुझे दे रखा है 10% का, कोई इनकम टैक्स की बात है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ बेटा, तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू 333333 हो चुकी है, जबकि फर्म की टोटल वैल्यू 833333 हो चुकी है। ये डेट मेरे पास 5 लाख का है और ये मेरे पास 833333 का हो चुका है। आप चाहे सॉल्व करके देख लो, ये भी आपको 12% ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे लिखिए बेटा। अब ये देखो कितनी अप्रोचेस कर ली आज, आज दो कर ली, अब तीसरी करने जा रहे हैं। और तीसरी हम लोग करेंगे एमएम अप्रोच, विदाउट टैक्स और विद टैक्स दो है ना, तो हम करेंगे 63 वाली विदाउट विद टैक्स। लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर होगा 6। लिखिए बेटा, एमएम अप्रोच सिक्सटी 1963 विद टैक्स। लिखूं? लिखिए, एमएम मॉडल अब असल में बेटा देखो ऐसे है ना, सामने देखो, ये बताओ एमएम के कितने मॉडल, दो, ठीक है। अब ये देखो, ये पुराना 1958 ना, और ये वाला नया, तो पहले इन्होंने ये बताया था, इन्होंने कहा था ये इररिलेवेंट है,
फिर इन्होंने उसको ठीक किया, तो मैं ये लिखने जा रहा हूं कि पुराने मॉडल को अमेंड किया, तो अब आप नया पढ़ रहे हो ना, या तो मैं पहले ये पढ़ा दूं, तो ये समझ जाना कि मतलब इसको अमेंड किया, जब ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और इसलिए करना जरूरी, आप ये कर रहे हैं तो ये खत्म ही कर देते हैं, फिर इसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। लिखिए, इन 1963 एमएम मॉडल वॉज अमेंडेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स, दे रिकग्नाइज्ड दैट द वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। लिखो, वेयर कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट। अब ये बताओ मुझे, सब बच्चे बताओ, ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा था कि डेट बढ़ाओ तो WACC गिर रहा था, टैक्स की वजह से। अब इन लोगों ने जो 1958 में अपनी अप्रोच बनाई उसमें ये अज्यूम किया था कि देयर आर नो टैक्सेस, और फिर जब टैक्सेस आ गए तो इनको रियलाइज हुआ नहीं वो तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, तब इन्होंने इसको अमेंड किया। तो इनकी दो अप्रोचेस हैं, ठीक है ना, कि टैक्स कंटेंट होगा तो इस तरह की बातें होंगी। लिखिएगा, वैल्यू ऑफ अ लेवर्ड कंपनी, लेवर्ड का क्या मतलब हुआ बेटा, जिसके पास डेट है उसी पे तो लेवरेज है, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। इसको सिंबोलिकली ऐसे भी लिखते हैं, VG बराबर VU प्लस TB। नंबर दो, कॉस्ट कहाँ, TB टैक्स बेनिफिट, VU मतलब वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, U फॉर अनलेवर्ड, TB मतलब टैक्स बेनिफिट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अ लेवर्ड कंपनी इक्वल्स टू के ईजी इक्वल्स टू के ईयू प्लस के ईयू माइनस के डी इंटू डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। यहां पे के ईजी का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अ लेवर्ड फर्म, के ईयू का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन अनलेवर्ड फर्म।
केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट, टीबी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। थर्ड पॉइंट, डब्ल्यू ए सी सी इन अ लेवर्ड कंपनी के ओ जी इक्वल्स टू के ई यू 1 माइनस TL। के ओ जी मतलब डब्ल्यू ए सी सी ऑफ लेवर्ड कंपनी, डिवाइडेड बाई के ई यू 1 माइनस TL इन एन अनलेवर्ड कंपनी टी का मतलब टैक्स रेट, लिख लिया तो आज यहीं तक करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।